हैं, क्या ही शानदार दिख रहा है गाइस, ये देखो में झरना लगा, काफी खूबसूरत लग रहा गाइस। गाइस हम आ चुके हैं आखिरकार नरौली पे, जो हमने आपसे वादा किया था कि आजमगढ़ का नरौली चौक बोलते हैं गाइस, तो हम आ चुके हैं। तो बहुत मैं रास्ता भर में आपको गाइस बताता आया था कि मैं बहुत बड़ा झंडा दिखाने वाला हूं, तो आई एम रियली सॉरी गाइस। झंडा तो झंडे का स्टैंड तो गाइस है, लेकिन शायद झंडा भी उतार दिया गया, धुलने उलने गया होगा, इसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी गाइस। तो आप देख सकते हैं ये नरौली का बोर्ड लगा गाइस। तो गाइस अब हम सोच रहे हैं क्यों ना रेलवे स्टेशन ही जाके आपको दिखा दिया जाए, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे झंडा नहीं लगा, ओनली पर झंडा ही लगा रहा है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने अगले मंजिल की तरफ। मुझे इस बात का निराशा है गाइस, मैं आपको झंडा नहीं दिखा सका, क्योंकि बस वहाँ पे मुझको डंडा ही दिखा। तो हम अगले अपने मंजिल की तरफ निकलते हुए और दिन डूबता हुआ। तो गाइस काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद हम लोगों ने ये ठान लिया है कि अब जाएंगे। तो गाइस बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि हमारी डेस्टिनेशन है आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन, जो कि हम लोग नरौली जो चौक है वहाँ से राइट टर्न लेके निकल चुके हैं। और आप देख सकते हैं क्या ही व्यू है गाइस, ये देखो अभी जब उधर से हम लोग रिटर्न होंगे तो और काफ़ी शानदार व्यू दिखेगा। तो चलिए फिर चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। तो चलिए चलते हैं स्टेशन की तरफ। आखिरकार हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि रेलवे स्टेशन पे आप लोगों ने हम आप लोगों से कहे थे कि जाएंगे रेलवे स्टेशन, तो अभी थोड़ा सा टाइम था। तो गाइस आ चुके हैं और हम ये देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम में झरना लगा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा गाइस। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे दिखाते हैं रेलवे स्टेशन का पूरा नज़ारा। हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, तो आप देख सकते हैं ये रहे छोटे छोटे काफ़ी प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बंदर, और ये देख रहे हैं जहाँ पे बाइक खड़ी है ये रेलवे स्टेशन की पार्किंग है, जिस पे चार्ज लगता है गाइस 30 रुपये 50 रुपये 100 रुपये, जिसका जितना बजट हो। तो गाइस हम लोगों ने एक्चुअली अपनी बाहर गाड़ी खड़ी है, क्योंकि हमारा उतना बजट है नहीं। तो आइए देख सकते हैं आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन, काफ़ी अच्छा यहाँ पर ड्राइंग की गई है, दूर से कितना शानदार दिख रहा है गाइस, देख सकते हैं। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं ये रहा हमारे आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और जो मैं पीछे आपको दिखा रहा हूँ ये है टिकट काउंटर, जो कि आप यहाँ पे आके प्लेटफॉर्म टिकट, जो कि तत्काल टिकट हो गया, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जिसको लोग बोलते हैं कि खिड़की का टिकट चाहिए, तो आप यहाँ पे आके टिकट निकाल सकते हैं। चलिए फिर आपको अंदर कुछ दिखा देने कि अंदर का क्या ही मतलब भी है अंदर का। तो चलिए फिर चलते हैं, वीडियो में बने रहिए, अंदर आपको दिखाते हैं कि टिकट काउंटर के अंदर कैसा व्यू है। तो हम लोग आ चुके हैं टिकट केंद्र के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो महिलाएं खड़ी हैं, ये यहाँ पे आके अपना प्लेटफॉर्म टिकट लें, जो कि 10 रुपये है टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट। और यहाँ पे देखो तत्काल टिकट के लिए सब लाइन लगी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं ये है मेरा भी लो यार। ये देखो हमारे डॉक्टर भाई हैं, जो कि काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हैं, और ये अमन खड़े हो जो अमन डॉक्टर भाई के साथ साथ में। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वीडियो देखना ही है, और अभी अंदर का आपको दिखाएंगे। चलिए फिर चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, फिर आपको अंदर का कुछ व्यू दिखाते हैं। ये देखो हमारे डॉक्टर भाई, जो कि काफ़ी शानदार दिख रहे हैं। तो भाई चलिए अंदर आपका अंदर का व्यू दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी तो इस वक्त कोई ट्रेन नहीं यहाँ मौजूद होगी, क्योंकि कैफियत का भी टाइम हो चुका है, वो चली गई होगी। तो फिर चलते हैं अंदर, आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं कि अंदर का व्यू कैसा है। तो ये देखो ये है हमारा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि पब्लिक इधर है ही नहीं गाइस, क्योंकि
ट्रेन तो अभी आने का चांस ही नहीं है। अब कल ट्रेन आएगी 10 बजे। ये देखो, ये यहाँ पे सिर्फ डबल लाइन है, इधर सिंगल लाइन है, जो कि ट्रेन आती है और ट्रेन जाती है बस। ये प्लेटफार्म फर्स्ट है और वो प्लेटफार्म सेकंड है। ये देखो हमारे डॉक्टर भाई हैं। तो गाइस चलते हैं आप ब्रिज के ऊपर, वहाँ से कुछ आपको व्यू दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा स्टेशन, जो कि काफ़ी शानदार है हमारे यहाँ का स्टेशन। अभी देखो इलेक्ट्रिक करंट के लिए सप्लाई चालू की जा रही है, अभी चालू नहीं हुई क्योंकि अभी डीजल से ही चल रहा है इधर सब सिस्टम। देखो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक इधर बैठी हुई है। मेरा सपना था कि मैं पूरा आज़मगढ़ आपको दिखा दूँ। स्पेशली मैं अपने घर से निकला तो मैं डॉक्टर भाई से बोला कि आज हम लोग पूरा आज़मगढ़ कभी भी दिखाएंगे इधर आके, क्योंकि मैं तो पूरे आज़मगढ़ का मतलब ब्लॉग बना चुका हूँ, लेकिन अभी एक ही वीडियो में अपलोड करूँगा तो आप तो पूरा देखेंगे नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे। लेकिन मैं पहले कोशिश करूँगा कि आपको पहले छोटा छोटा पार्ट बना बना के आपको अपलोड करूँ, जो कि आपको देखने में थोड़ा इंटरटेनिंग लगे। तो चलिए फिर निकलते हैं, चलते हैं ब्रिज के ऊपर, फिर आपको ब्रिज के ऊपर चढ़ के फिर आपको आज़मगढ़ कभी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखो हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, जो कि चढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, और डॉक्टर भाई उनका कॉल आ गया है तो अभी बात कर रहे हैं भाभी से। ये देखो ये रहा हमारे स्टेशन का व्यू, जो कि आप देख सकते हैं क्या ही शानदार दिख रहा है गाइस। ये देखो ये हमारे स्टेशन का व्यू है, जो कि मैं आपको लेफ्ट साइड दिखा रहा हूँ। ये इधर से जाएंगे तो आप चले जाएंगे गोरखपुर, तो जब मुंबई से ट्रेन आती है तो इस साइड से आती है इधर से। ये देखिए क्या ही शानदार दिख रहा है हमारे आज़मगढ़ का व्यू। तो चलिए फिर निकलते हैं इधर से कहीं और, फिर आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अमन कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत ही बढ़िया लगा, एक नंबर। साफ सफाई का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया, क्योंकि स्वच्छ भारत रहेगा तभी आदमी यहाँ के भी स्वच्छ रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। जैसे हमारे डॉक्टर भाई देखो क्या ही शानदार दिख रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं स्टेशन के बाहर, क्योंकि वाईफाई चला रहे हो? चला लो, फ्री वाईफाई है। तो गाइस जब हम लोग वहाँ से सब ब्लॉग व्लॉग शूट करके अब जा रहे हैं बाहर, तो चलिए चलते हैं स्टेशन के बाहर, फिर बाहर चल के आपसे कुछ बात होती है। और जो हम लिए थे प्लेटफॉर्म टिकट वो तो अब फेंकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फ़ायदा है नहीं प्लेटफॉर्म टिकट लेके। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे भी देखो झंडा लगा रहता है स्टेशन पे। ये भी देखो झंडा निकाल के सिर्फ डंडा रखा हुआ है, क्योंकि लगता है झंडा, ये भी झंडा धुलने गया है, दिखा नहीं पाए इसका यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि दोनों झंडे गायब हैं, सिर्फ डंडा खड़ा हुआ है गाइस यहाँ पे। तो देखो ये रहा हमारा आज़मगढ़ का रेलवे स्टेशन। तो हम लोग आपको स्टेशन का ब्लॉग बना के दिखा चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आ रहा होगा स्टेशन वाला। तो हमारे डॉक्टर भाई कुछ बोलेंगे। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि जो जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं वो लोग हम वीडियो ला रहे हैं। अब ये बताइए कि आपको किस टॉपिक पे किस जगह का ब्लॉग चाहिए, अगला ब्लॉग इंशाल्लाह वहीं पर रहेगा। जरूर गाइस जरूर। तो चलिए गाइस आप कमेंट में बताइए कि हमारा आज़मगढ़ स्टेशन आपको कैसा लगा। एक नंबर बात कही है मन आपने, काफ़ी शानदार स्टेशन हमारा है, तो सोचे आपको भी दिखा दे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा है हमारा आज़मगढ़।